तो भाइयों कुर्सी की पेटी बांदलो रणवीर 34 रिलीज हो चुकी है थिएटरों में। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल रियल एक्सीडेंट पे बेस है जो 2015 में जेट एयरवेज के साथ ये सब कुछ हो रखा है। तो अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है तो आप गूगल कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो भाइयों इस मूवी का रिव्यू करने से पहले मैं आपके छोटी सी एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं देख रहा हूं कि आप ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो प्लीज ये कर दीजिए। तो दोस्तों ये मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब 6 साल पहले आई अजय देवगन की शिवाय मूवी, उन्होंने ही अपनी मूवी उस मूवी को डायरेक्ट किया था, उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी, मतलब सब चीज उन्होंने ही किया था। वन मैन आर्मी वो उस टाइम बन गए थे। फिर क्या हुआ, थिएटर में जब वो मूवी रिलीज हुई तो वो एकदम फ्लॉप यानी फसड्डी साबित हुई। यही दोस्तों कयास लगाई जा रही थी कि ये मूवी ऐसी है क्योंकि इसमें भी अजय देवगन ही डायरेक्ट की थी, अजय देवगन इसमें एक्टिंग करते दिखाई दे रहे, मतलब सब कुछ काम वो खुद ही कर रहे हैं। वन मैन आर्मी भी इस मूवी के अंदर दिखाई दे रहा है। मगर दोस्तों जब इसके आप मूवी देखते हो तो ये सब कुछ पलट के रख दिया है, मतलब इन्होंने अपना काम टॉप नॉच किया है। कैप्टन विक्रांत का रोल निभाते हुए अजय देवगन एकदम बिल्कुल सही सटीक बैठते हैं और वो इतने ज्यादा आत्मविश्वास है, मतलब इतने ज्यादा विश्वास रखते हैं अपने ऊपर कि वो उनकी आंखों से साफ साफ झलकता है। मूवी में हमको बताया जाता है कि दुबई के दोहा से कोची एक फ्लैट जा रही होते हैं, इसमें को पायलट के रूप में अपने रकुल प्रीति सिंह दिखती है जिन्होंने बढ़िया काम किया है। दोस्तों इसमें बताया गया कि मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों बड़ी इमरजेंसी। इस मूवी में हमको स्काईलाइन 777 कुछ एयरप्लेन का नाम रहता है, उसमें 150 मेंबर बैठे हुए हैं यानी यात्री बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, क्या वो सही से लैंडिंग कर पाएंगे नहीं, ये मूवी के अंदर हमको दिखाया गया है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्या वो अपने अजय देवगन अपने एरोप्लेन को सही से रनवे पे लैंड करा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी और डिटेल इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस मूवी की जो कास्टिंग की गई है वो एक नंबर की गई है, कहीं भी हम फालतू जो चीज है वो नहीं लगती कि मूवी के अंदर हमें ये चीज फालतू लग रही है। अजय देवगन को ले लीजिए आप, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए आप, प्रकुल प्रीति सिंह को ले लीजिए, सब एक नंबर ही अपने काम करके जाते हैं। दोस्तों मैं अजय देवगन को सख्त तो नहीं करूंगा क्योंकि जब उन्होंने आरआर के अंदर उन्होंने छोटा सा जो कैमियो दिया था ना, मैं उससे इतना खुश हुआ था, उन्होंने इतनी प्यारी एक्टिंग दी थी उसके अंदर कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा आरआर आप एक बार दुआ जाके देखिए और सिर्फ अजय देवगन को आप नोटिस करना, आपको कितना मजा आएगा। वो जो पूरे एक्शन में पूरे मतलब पूरी फिल्म को अकेले ही लेके बैठ जाते। और मैं अपने थिएटर एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना दोस्तों, आसपास इसमें कुछ ऐसे सीन आते हैं कि सब पूरे थिएटर बिल्कुल साइलेंस और सामने अमिताभ बच्चन और अजय देवगन दोनों कन्वर्सेशन बात कर रहे होते, तो इतना सीन तो प्यारा लगता है। बातचीत वाले सीन दोस्तों इतने प्यारे लगते हैं कि कहीं कहीं लोगों को तो खासकर बोरिंग भी लग सकती है कहीं लोगों को मूवी, पर दोस्तों मेरे को कहीं भी ये बोर नहीं करती मूवी। वो बीच बीच में आपको थ्रिलर भी देगी, आपको मजा भी देगी, आपको एकदम एक्साइटमेंट भी करेगी। और इसमें दोस्तों जो VFX का जो काम किया है, हाँ ये मान सकते हैं कि इसमें बड़ा जो बजट यूज नहीं किया, मगर VFX का जो काम किया ना एक नंबर किया है, बिल्कुल सब रियलिस्टिक लगता है। और थोड़े पैसे खर्च करते तो शायद और अच्छा आउटपुट हमें मिल सकता था। इस मूवी को दो हिस्सों में बांटा गया है, फर्स्ट हाफ तो एक नंबर है, बोलो आप तो फर्स्ट हाफ तक तो देख लीजिए, एक नंबर मूवी आपको बिल्कुल सीट से नहीं उठने देगी। जो सेकंड हाफ स्टार्ट होता है दोस्तों तो ऐसा लगता है ज्यादा खींचा गया वो पार्ट, मगर नहीं दोस्तों बिल्कुल सही लगता है मेरे को, क्योंकि दोस्तों जो बातचीत जो हमें दिखाई जाती है वो बिल्कुल सही है। बाहर की मूवी में हमने कहीं देखा हुआ है कि जब बातचीत चल रही होती है तो उसी से मालूम पड़ता है कि मूवी के अंदर क्या बन रहा है, वो हमें कनेक्ट कर पा रही है, हमें जोड़ पा रही है या नहीं जोड़ पा रही, ये सब हमें उसी चीज से मालूम पड़ता है। और दोस्तों बात करूं एक्टिंग की, मैं बोल रहा हूं मूवी अगर 100% है तो उसमें 90% हम पता है किसके लिए रुके, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के लिए। दोस्तों अजय देवगन की आप एक्टिंग देखोगे ना, उनकी आंखें ही बहते पूरी एक्टिंग करने के लिए, वो अपनी आंखों से ही सब लोगों को घेर लेते हैं यानी रोक के रख लेते हैं सीटों तक। और एक्टिंग बंदा बहुत प्यारी करता है, उन्होंने डायरेक्शन भी एक नंबर किया इस बार, उन्होंने बिल्कुल मुंह की नहीं खानी पड़ी डायरेक्शन करते समय। और रही अमिताभ बच्चन, बोलो अजय देवगन को भी खा गए दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, वो अजय देवगन को भी बिल्कुल दबा के बैठ गए, इतनी प्यारी मतलब बंदा लगता नहीं कि उन्हें बादशाह यूं ही नहीं कहते, उन्हें लोग बिग बी यूं ही नहीं बुलाते। दोस्तों बंदे ने जो काम किया है ना, सर के तो बिल्कुल सलाम ठोकना चाहिए ऐसे सर को जो उन्होंने एक्टिंग दी है, इतना शानदार उन्होंने काम दिया, लगते नहीं कि इतने उम्र के जो इतना बढ़िया हमें परफॉर्मेंस दे के गए हैं। रकुल प्रीति सिंह, भुवनी मानी, अक्षिता सिंह, इन्होंने काम तो सही किया है, मगर अजय देवगन और अमिताभ बच्चन दोनों खा गए, मतलब यही टॉप पे रहेंगे। और वैसे दोस्तों आपकी इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बताइए। दोस्तों मूवी तो मेरे को पसंद आई, मैं मूवी को इसमें से दूंगा तो 2.5 स्टार, दोस्तों इतना ही मैं मूवी को देना इनफ समझूंगा। और वैसे आपकी क्या राय नीचे हमें बताते रहिए, कि आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। और ऐसी मूवीज एंड वैसे इसके रिव्यूज देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे दोबारा नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।